है सर, कुछ कहा नहीं जा सका। हालत कितनी खराब है, यही तो दिक्कत है सर। मैं ऊर्जा बढ़ती देखी थी। नासा ने सेल्विक को टेस्टिंग की इजाजत नहीं दी थी, वो टेस्ट नहीं कर रहे थे। डॉक्टर सेल्विक ने 4 घंटे पहले टेस्टरेक ऊर्जा का स्तर अभी कहा बढ़ रही है। जब सेल्विक उसे बंद नहीं कर पाया तो जगह खाली करवानी पड़ी सबको बाहर। वो तो कमरे में थे भी नहीं, वो तो खुद ब खुद ऑन हो गया। ये अपने आप ऑन हो गया सर, शायद जगह खाली करवाने का कोई फायदा ना हो। तो क्या उनसे कहेंगे वापस बाहर निकालने में कितना वक्त? कैंपस अगले आधे घंटे में खाली हो जाएगा, जल्दी करवाओ। कोई भी जगह सुरक्षित नहीं होगी। तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि अगले पड़ाव के नमूने बाहर वापस हो जाए। अगर हम टेसराक की ऊर्जा काबू नहीं कर सकते तो कोई भी जगह नहीं होगी। हम यही मानेंगे कि ये दुनिया हमेशा घूमती रहेगी। नीचे का सर। सर क्या इस वक्त ये करना जरूरी है जब हमारे साथ? जब तक दुनिया खाली है सर। चलो नीचे का सारा सामान हटवा दो, फेज 2 की एक एक चीज ट्रक पे रखवा के बाहर भिजवाओ। ठीक है डायरेक्टर। कोई पक्की जानकारी है तुम्हारे पास? यस सर। बात करनी है तुमसे डॉक्टर। आगे कोई मजाक नहीं है, टेसराक सिर्फ सक्रिय हो गई है बल्कि कुछ टेसराक ट्यूब अजीब हरकतें कर रही है। क्या मैं इसे मजाक समझूं? आगे हम पावर बंद कर देते हैं तो वो फिर से ऑन कर देती है। उसकी ऊर्जा अजीब रंग दिखा रही है। तुमने पावर तो बंद कर दी थी ना? वो ऊर्जा का स्रोत है पर हमारे पास साधन नहीं है। मेरे कैलकुलेशन अधूरे हैं। ऊर्जा जब ज्यादा बढ़ जाएगी इसकी तो तैयारी की थी डॉक्टर। अंतरिक्ष से ऊर्जा लाने की किरणें कम है, इसका नतीजा तो बुरा हो सकता है। एजेंट पार्टन का ये हमें गुमराह कर रही है, रेडिएशन छोड़ रही है। अब तक कोई खास नुकसान नहीं है क्योंकि काम है हमेशा की तरह। एजेंट पार्टन फॉरन हॉक वही अपने घोंसले का मुझे दूर से बेहतर दिखाई देता है। तो क्या तुमने कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से ऐसी फॉरन मिलो? मैंने तुम्हें जानकारी इसलिए दी थी ताकि तुम हर चीज पे नया नहीं। और सेल्विक तो बहुत ईमानदार है, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई खबर नहीं। हरकत कर रही है डॉक्टर, वोल्टेज फिर से कम ज्यादा हो रही है। यहाँ कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। यहाँ से नहीं? जी हाँ, असल में ये टेसराक क्यूब अंतरिक्ष, अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो दरवाजे दोनों ओर खुलते हैं। अभी नहीं, अंतरिक्ष के दूसरे तरफ का भी प्रवेश द्वार है। हथियार नीचे रख दीजिए। मतलब टेसराक क्यूब को बिल्कुल है, इतनी दूर आने का मकसद और क्या हो सकता है? हमें इसकी जरूरत है। बात को और बिगाड़ने की जरूरत नहीं, और हमारे ऊपर एक बेहद नेक इरादे का बोझ है। लोकी? हम हैं लोकी एस्गार्ड। कोई झगड़ा नहीं है, एक चींटी का जूते से कोई झगड़ा नहीं हो सकता।
एक खुशखबरी लेकर आए हैं। दुनिया की आजाद, तुम्हारा इरादा हमें मसलने का है। हम आप लोगों के लिए आजादी जिंदगी का एक बहुत बड़ा झूठ है। एक बार आजाद होने की आजादी, मगर किससे? आजादी से। मुझे लगता है तुम्हारा मतलब कुछ और है। सर, डायरेक्टर फ्यूरी रुकावट डाल मिल जाएगी। हाँ, कहते तो हो तुम शांति। वो हमें गाड़ देना चाहते हैं। बिल्कुल मिस्र के राजा। इस जगह में अभी धमाका होने वाला है और हम 100 फीट मलबे के नीचे। मिनट में ही धमाका होने वाला है, तो शुरू हो जाओ। ये राजाओं की तरह ठीक कह रहे हैं, पोर्टल यानी प्रवेश द्वार बंद होने वाला है और 2 मिनट में। गाड़ियां चाहिए। उन्होंने मुझे बताया नहीं। वो कौन है? कमांडर बदल गया। सुन रही हो ना? फ्यूरी, आप सुन रहे हैं? डेसरेक्ट अब दुश्मनों के पास है। डायरेक्टर, ये नीचे दबे हैं। पता नहीं कितने लोग बच पाए। सबको खबर कर दो। कुछ लोग मारे भी गए। इल लोग मलबे के नीचे सा। कोल्सन, वापस बेस पर पहुंचो। ये लेवल 7 है। खबर कर दो। जो भी बचाव के काम में नहीं लगे वो सूटकेस को ढूंढने में लग जाए। ठीक है सर। अब हम क्या करें? बस इतना समझ लो कि जंग छिड़ चुकी है। Yeah.
चाहता था ये शाम किसी और तरीके से बीते। मैं जानती हूँ। तुम किसके लिए काम करती हो? जानती तुम कैसी शाम चाहते थे। यकीन करो तुम्हारे लिए ये बेहतर है। हमें अपना सामान भिजवाने के लिए उससे होकर जाना होगा, है ना? उसे क्या लगता है? एक्सपोर्ट बिजनेस के इंचार्ज है। साला को ना होगा। मैंने सोचा जनरल साला को। तुम्हारी ये उल्टी सीधी बासी खबरें, तुम्हारा वो तो सबके लिए एक प्यादा है, वो ना वो जासूस ब्लैक विडो तुम्हारा फाटा फोड़ देती है। तुम ही हो ना वो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ? और तुम निकली भी तो क्या, बस एक खूबसूरत चेहरा। कह दो टैक्स भेजने में हमें उसकी जरूरत नहीं है। लर्मंटो से कह दो शायद उसे कह दो अब वो ना आए। तुम्हें उससे ये लिखकर बताना होगा। सर ये पुलिस के लिए। हेलो सर, वाले बोलो। हम ठीक 8 मील आगे खड़े हैं। लड़की को फोन। कान खोल कर सुन लो। तुम 114 सिलेंस की बिल्डिंग के तीसरे माले। लड़की को फोन दो, वरना इससे पहले कि तुम लॉबी तक पहुंचो मैं पूरी बिल्डिंग उड़ा दूंगा। दिमाग खराब है? मैं काम कर रही हूँ। ये ज्यादा जरूरी है। मैं यहाँ पूछताछ कर रही हूँ। तुम्हें वापस आना होगा। दिमाग, मैंने कुछ नहीं बताया। देखो मुझे ये मिशन पूरा करना। ये बेवकूफ मुझे सारी जानकारी दे रहा है। बटन हमारे लिए खतरा बन चुका है। सनकी से बात करनी होगी। तुम्हें पता है ना वो मर गए। तुम उस सनकी पहाड़ को ले आओ। पैसा ले लेना चाहिए। तुमने जगह बड़ी कमाल की चुनी है बहनों। ना चाहिए था बहनों। वैसे तनाव से बचने के लिए तो फिर क्या है, योगा? तो मुझे शहर तनाव से बचने के लिए काफी नहीं है। तो फिर क्या? पूरा इलाका घिरा हुआ है। क्यों? नहीं सर, शहर के बाहर तक ले आई स्मार्ट लड़की। लगता है इतनी कम उम्र में जासूस बन गई। मैं भी थी, सिर्फ तुम और मैं। और तुम्हारी नन्ही दोस्त तो मुझे यहाँ मारने तो नहीं आई मिस्टर मोनोफ, क्योंकि इससे किसी
नताशा रोमनोव, शील्ड की ओर से आई हूँ। शील्ड एजेंसी, इससे किसी का फायदा तो होने वाला नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बैनर, मैं शील्ड की बस दूरी बनाकर रखी थी। हमने तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी भनक तक नहीं। मुझे ढूंढा कैसे? तुम्हें खोया ही कब से करते हैं। हम चाहते तुम हमारे साथ आओ, भनक तक नहीं लगने थी। क्यों? निक फ्योरी तुम पर भरोसा करते। और अगर वो, और अगर मैं ना कहूँ तो? तो मैं तुम्हें मना लूंगी। वारदात के 2 साल बीत चुके हैं, मुझे नहीं लगता तुम इस सिलसिले को तोड़ना चाहोगे। राक्षस ना करते तो? बिना किसी वारदात के डॉक्टर, हमारी दुनिया पर एक जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। वैसे जो मैं चाहूँ वो मुझे हर बार नहीं मिलता। ये टेसरैक्ट क्यूब है। खैर, उससे तो मैं दूर ही रहना चाहूंगा। तो फ्यूरी मुझसे क्या चाहता है? इसकी ऊर्जा में पूरे ग्रह का विनाश करने की शक्ति है। इसमें से गामा किरणें निकलती हैं, पर इतनी हल्की कि हम उसे ढूंढ नहीं सकते। इसे निकल जाओ। मैं चाहता है तुम इसे ढूंढो। ये चोरी हो गया है। अगर होता तो मैं उसके पास जाती। तो फ्यूरी राग? और कोई नहीं है जो गामा रेडिएशन को तुम्हारे जितना जानता है। इस मिशन के बारे में फ्यूरी से बात करो। क्यों? मुझे राक्षस के पीछे नहीं है। इस बारे में मुझे नहीं बताया। क्या वो तुम्हें सब कुछ बता? I'm sorry, मुझे ऐसा नहीं, पिंजरे में डालना चाहता। तुम्हें कोई पिंजरे में नहीं। मत बोलो। क्या करती हो? तो क्यों ना हम थोड़ा धीरे रहे। मैं बस देखना चाहता था तुम क्या करती। राक्षस गुस्से में आकर मार धार ना करे, ठीक है? धीरज बरते, जहां तुम इसे इस्तेमाल ना करो और वो नताशा, सिर्फ तुम और मैं। हथियार नीचे कर दो। आप ऐसी ताकतों से लड़ रहे हैं जिनको आप काबू में नहीं कर सकते। क्या आपने कभी कोई? यह सरासर गलत है डायरेक्टर। हर चीज पूरी तरह आपके काबू में है। आप कह रहे हैं कि ये असगार्ड हमारे कोई जंग लड़ी है जनाब, कोई खतरनाक जंग? क्या आपको लगा था कि हर चीज? वो अकेला नहीं लड़ सकता, एक दूसरा भी है, उसका भाई। राय के खिलाफ जंग छेड़ रहा है? जी नहीं, एसगार्ड नहीं, लोकी। हम उसके भरोसे यूं बैठे नहीं रह सकते, हमें ही कुछ करना होगा। इसीलिए आपको फेस टू पर, जहां तक हम जानते हैं उसका भाई थॉर दुश्मन नहीं है। उसकी दुनिया अलग है, हम यार नहीं है, लेकिन हमारा दुश्मन तैयार है। हम एक रिस्पॉन्स टीम तैयार कर ध्यान देना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही हालात का सामना फेस टू अभी तक तैयार के बारे में हमने वो लिस्ट। आप दुनिया का सबसे बड़ा खुफिया नेटवर्क चला रहे हैं, कर रहे हैं एवेंजर्स। वो प्लान तो पहले ही खत्म कर दिया गया था। लेकिन ये एवेंजर्स को किसी के हाथों सौंप नहीं रहा। हमें जरूरत है एक रिस्पॉन्स टीम की। और मानव जाति की किस्मत मुट्ठी भर सरफिरों के हाथों सौंप रहे हैं। मैं किसी से दिखाने पर वो हमारी उम्मीद पर खरे उतरेंगे। आपको हो सकता है ये थोड़े अलग हो, अनुशासनहीन हो, लेकिन मुझे विश्वास है सही दिशा नहीं, सिपाहियों से जीती जाती। आपको यकीन है? जंग जज्बातों से नहीं जीती जाती डायरेक्टर। साल सोया उसे जिंदगी भर की नींद नींद नहीं आ रही। उसे बनाना चाहिए, दुनिया देखनी चाहिए। भागी नींद पूरी कर ली तब तो तुम्हें बाहर जाना चाहिए, जश्न मनाना। जब मैं गहरी नींद में था तो दुनिया में जंग छिड़ी थी, उठा तो बताया कि हम जी। उस दौरान हमसे कुछ गलतियां भी हो गई और कुछ तो हाल ही में हम जीत गए। ये नहीं बताया कि हमने क्या खोया। उस दौर मुझे भारी दुनिया में वापस लाने, दुनिया को बचाने। आप किसी मिशन पे आए सर? ठीक समझे। जादू खुफिया
हथियार प्रोग्राम। हॉवर्ड स्टार्क जब तुम्हें ढूंढ रहे थे तब डेसरेक्ट हमें बेशुमार कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा दिलवा से तब उन्होंने इसे समंदर से निकाला था। उन्होंने वही सोचा था जो अब हम सोच रहे थे। ये किसने चुना है? उसका नाम है। ये वो चीज है जिसकी दुनिया को सख्त जरूरत है। अगर तुम्हें हमारे साथ काम करना है तो हमें तुम्हें बहुत कुछ बताना पड़ेगा। उसका नाम लोकी है। वो यहाँ का नहीं है। ये अजीब हो गई है। अब मुझे किसी भी चीज से हैरानी नहीं होती। शर्त यह, तुम दुनिया को जितना अजीब समझते थे ये उससे भी जानकारी देने के लिए तुम्हारे घर पर एक पैकेट रखा है। शर्त यह कह सकता हूँ कि तुम गलत हो। सारी जाना होनी चाहिए। उसे समुंदर में ही छोड़ देना चाहिए था। टेसरेट के बारे में ऐसी कोई भी बात है जो हमें पता हो? स्टार्क टावर अपने आप में एक मिसाल बनेगी। साफ सुथरा यहाँ सब तैयार है। बाकी अब तुम पर है। तुमने बिजली का कनेक्शन तरह से काम करे? क्यों नहीं करे? पावर ऑन करो। साफ सुथरी ऊर्जा का भंडार बंद करो। बशर्ते ये आर्क रिएक्टर ठीक था। कैसा लग रहा है? जैसे क्रिसमस आ गई। प्रेस वालों से भी बात करनी होगी। कल मैं वाशिंगटन में हूँ। अगली तीन बिल्डिंग की प्लानिंग करने और उसे मैं लाया। हमें लोगों को इस मुहिम के बारे में बताना होगा। मैं जरूरी हूँ तुम्हारे लिए। पेपर बोर मत करो। क्या सीमा है इसका? कत्ल मत करो यार। बोर तो मैं। बड़ी अच्छी बात है। अब मैं लाइन से बाहर। सर, शील के एजेंट कोल्सन लाइन पर है। सर, वो बहुत जोर दे रहा है। पर यहाँ जीनियस कौन है? क्या मतलब? अपने आप को कुछ तो क्रेडिट दो प्लीज। स्टार्क टावर इस आर्क रिएक्टर का कमाल है। 12%। अच्छा चलो 15 पे फैसला कर लेते हैं। 12% इतना काम करने की तुमने बनाया है। अपने आप को 12% क्रेडिट तो दे ही दो। और वो जो सुरक्षा में तुमने गड़बड़ की थी 15% तो उसका काटना बनता है। सारे भारी काम तो मैंने ही किए थे। भारी बोझ तो मैंने ही उठाया था। उसे भरी हुई थी। अब तुम किसी ना किसी तरीके से परसेंटेज के चक्कर में मुझसे और मेरी खुद की लिफ्ट। तुम्हारा मतलब हमारी लिफ्ट? पसीने से तर मजदूरों से काम करते हैं। अब अगली बिल्डिंग पर तुम्हारा नाम लिखवाते हैं। नहीं, बदला तो लोगी। बदला तो मैं लूंगी। चलो एक काम। सर, कोल्सन का फोन है। मेरा सिस्टम इस कॉल को और नहीं रोक पाएगा। कागजात पर कॉल करो ना मम्मी को। रात को यहीं रुक जाओ। मुझसे बात कर रहे हैं। कृपया अपना मैसेज छोड़ दें। बहुत अर्जेंट है। तो अर्जेंट छोड़ दें। स्टार्क, तुमसे बात करनी है। आप टोनी स्टार्क के रोबोट हैं। मिस्टर स्टार्क। फिल, आओ आओ। फिल, छोड़ दे। मैं सिक्योरिटी तोड़ दी। 10% इसीलिए तो ये नहीं रुक सकते। आपको जल्द से जल्द। मैं रुक नहीं सकता। फिल, इसका नाम तो एजेंट है। अंदर आ जाओ, हम पार्टी कर रहे हैं। थैंक यू। इसे देखना। मैं किसी से कुछ कोई बात नहीं। ये फाइल मुझे दे दीजिए। आप इसे बीच में। मैं सलाह मांगने नहीं आया। ये एवेंजर्स के बारे में है। मैं उनके बारे में। सलाह मशवरे का समय हर दूसरे गुरुवार 8 से 5 के। उन्होंने तो मुझे लाइक भी नहीं समझा। मैं ये भी नहीं जानती थी। हाँ, उनका कहना है कि मैं नहीं जानती। मुझे लगा एवेंजर्स का प्लान पहले से ही रद्द कर दिया गया था। और उन्होंने अब ये लोगों की शख्सियत के बारे में नहीं है। हाँ, जो भी है। मिस पॉट्स, मैं एक सनकी खुदगर्ज इंसान हूँ जिसकी किसी से नहीं पड़ती। ये मैं जानती थी। मुझे लगा। जरा एक मिनट। एक सेकंड। देखो ये थोड़ा सीरियस मामला है। फिल परेशान लग रहा है। तुम्हें कैसे पता कि ये लम्हे सिर्फ हम आपस में गुजारेंगे? इन लम्हों में भी मेरा सिर्फ 12% ही है। तुमसे फिल क्यों बुलाती हो? और ये सब है क्या? ये तो बस आज रात मैं वॉशिंगटन जा रही हूँ। नहीं,
निकल जाना। तुम्हें काम करना है, बहुत सारा काम। और अगर नहीं करना होता जल्दी आना। मुझे एयरपोर्ट जाना है, तुम किस तरफ जा रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। फैंटास्टिक। होम बाय। शहर छोड़कर चली गई। ओह क्या? स्टे। ओह तुम्हारी वो पियानो वाली कैसी है? तुम्हारी दोस्ती है अभी? क्या डॉक्टर बैनर उसी केमिकल का? हम हेडक्वार्टर से 40 मिनट की दूरी पर हैं। तुम दुनिया के सबसे पहले सुपर हीरो थे। मैंने ने सोचा कि गामा रेडिएशन का इस्तेमाल कर रहे थे जो उन्होंने मुझ पर आजमाया था। बहुत लोग इस कोशिश में थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं है ना? इतना नहीं, वैसे बैनर डिसीजन में ही स्किन के केमिकल के ओरिजिनल फॉर्मूले का हल है। काफी स्मार्ट बंदा है, किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं अगर वो पहाड़ नहीं बना हुआ होता। औपचारिक तौर पर वैसे मैं आपसे मिल चुका हूँ, मतलब जब आप सो रहे थे तब। सच कहूँ तो आपसे मिलना बड़े फख्र की बात है। मैं वहाँ मौजूद था जब आप बर्फ बनकर, तब मैंने आपको देखा था। मेरा मतलब आस पर है। उम्मीद है कि मैं इस काम के लायक हूँ। ओह जरूर खुश पड़े थे। और सचमुच ये हमारे लिए फख्र की बात है कि आज आप इस जहाज से बदलाव किए हैं। इसमें मेरा भी थोड़ा बहुत हाथ है। यूनिक जरूर है बेशक। हमने आपकी यूनिफॉर्म में कुछ ओल्ड फैशन नहीं लगेगा? जो कुछ भी हो रहा है यूनिफॉर्म अमेरिकी फ्लैग का डिजाइन, कुछ आम जनता को शायद ओल्ड फैशन की ही जरूरत पड़ेगी। और जो चीजें सामने आने वाली हैं आम जनता को। शानदार जंग में हम उनकी अगुवाई करेंगे। जंग जितनी सेना बेचैन हो चुकी है। उन्हें अपने आप को तैयार। शानदार लंबी नहीं। अगर तुम्हारी फौज पृथ्वी की अधमासी ताकत के सामने से पूछ रहे हो, पूछना तो तुम्हें उससे चाहिए जो उतनी ही ताकतवर है जितनी तुम कहते हो। तुम हमसे तुम्हें पुराना इल्म और नया मकसद दिया जब तुम निकाल दिए थे तुम्हारे हाथ में शाही चढ़ी थमाई थी। जिसे धोखा दिया बचकर मेरे हाथ में थे। हम एक राजा थे, एस्गार्ड के असली राजा। छोटी है, हम पृथ्वी से परे देखते हैं उन बड़े जहानी जरूरतों से। पैदा हुई तुम्हारी हसरत है और हम धमकी नहीं देते। हम की तरफ जो टेसरेक्ट हमें दिखाएगा। टेसरेक्ट अभी भी तुम्हारे पास नहीं। जब तक तुम्हारी फौज हमारे हुक्म पर ना चले तुम्हारे अल्फाज, और जब तक हम प्रवेश द्वार न खोल दें, ये अगुवाई करोगे इन लोगों की बेमायने है। तुम जंग के अड्डे से हमसे दूर रखा जाता है। अगर तुम मार जाते हो, अगर ना कोई दरार जहां तुम्हें ढूंढ नहीं सकेंगे, तो ऐसा कोई ब्रह्मांड नहीं होगा, ना कोई चांद। तुम्हें इतना तड़पाया जाएगा कि तुम जानते हो दर्द क्या होता है। दर्द की कैप्टन रॉजर्स। मैम हाय। का सामान ले लिया। एजेंट रोमानोव तुम्हारे बर्फ में जमा होने की यहाँ काफी चर्चा। कंट्रोल रूम में जाओ, वो छानबीन शुरू कर रहे हैं। वहीं मिलते हैं।
बॉक्स ने कैप्टन अमेरिका वाले कार्ड्स पर तुम्हारे ऑटोग्राफ नहीं लिए? चर्चा हो रही थी, मुझे लगा कोल्सन तो बेहोश हो जाएगा। डॉक्टर बैना, मेरे नाम के कार्ड्स? हाँ, कोल्सन तो बचपन से उनका दीवाना था। सुना है कि आप टेसरैक्ट क्यूब ढूंढ सकते हो? मेरे बारे में सिर्फ इतना ही सुना। ओह हेलो स्टीव, उन्होंने बताया था कि तुम आने वाले। सुना है कि तुम्हें ये सब बड़ा अजीब लग रहा होगा। नहीं, मुझे सिर्फ इसी जानकारी से मतलब है। अंदर जाना पड़े, थोड़ी देर में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ये काफी जाना पहचाना लग रहा है। एक्सक्यूज मी, शायद एक मिनट में आपको अंदर जाना। ये एक सबमरीन है। लोहे के डिब्बे में पड़ा रहो। अच्छा, तो वो चाहते हैं कि मैं पानी में डूबे हुए। साथियों, डॉक्टर नवाजिका, तो मुझे कितनी देर यहां रुकना होगा? बस एक बार आने का शुक्रिया। शुक्रिया आपकी मेहमान नवाजी। हम दुनिया भर में मौजूद सभी वायरलेस कैमरे ढूंढ रहे हैं। एक बार टेसरेक्ट हमारे हाथ लग जाए फिर आप जा सकते हैं। उसकी तलाश कहां तक पहुंची है? तो हमारे काम आ सकते हैं। फिर भी उसे ढूंढ पाना मुश्किल है। आपको कितने स्पेक्ट्रोमीटर्स मिल सकते हैं? आपको कितने चाहिए होगा पता चल पाएगा, और बाकी जगह नजरअंदाज कर देंगे। मुझे कहाँ बैठकर काम करने के लिए सेट कर दीजिए, जिसके जरिए मैं पूरे इलाके की छानबीन कर सकता हूँ, जिसमें सिर्फ हमारे काम की जगहों का पता। तुम्हें वहाँ मजा आएगा डॉक्टर, तुम्हारे काम की हर चीज है। करना होगा। एजेंट रोमानोव, डॉक्टर बैनर को इनके लेबोरेटरी दिखाइए प्लीज। इतने सारे लोग तुम्हें कहाँ मिले? शील्ड को दुश्मनों की कमी नहीं है तो इसे वहां रख दो। ये उल्का पिंडों में पाया जाता है, इससे एंटी प्रोटॉन्स बनते हैं। ये बड़ी मुश्किल से मिलता है डॉक्टर। आपको यही सामान चाहिए था ना? हाँ, इरिडियम। कैसे हैं? टेसरेक्ट से मैंने कितना कुछ सीखा है, इसे मिलता है। खासकर जब शील्ड जानता हो कि आपको इसकी जरूरत है। मुझे नहीं पता था। इसने तुम्हें क्या दिखाया जिन बात? मेरा अगला टारगेट ये ज्ञान से भी बढ़कर है। ये सत्य है। जानता हूं। उनका ध्यान बटाने के लिए बताओ तुम्हें क्या चाहिए। आग की जरूरत है। ये बड़े नायाब कार्ड, मेरा मतलब ज्यादा तकलीफ ना हो तो। नहीं नहीं ठीक है, बेजोड़ है। किनारों से कुछ पत्रांश है, सारे इकट्ठा करने में कई साल लग गए। नहीं, ये शायद 79%। जगह कौन सी है? स्टुटगार्ट हो गए, पर एक जगह मिली है, 67% मेल खाती है। नहीं ये शायद कैप्टन, शुरू हो जाओ। गार्ड जर्मनी में
हाई स्कोरिंग स्ट्रा से, वो खुलेआम घूम रहा है। क्या यही तुम्हारी असलियत नहीं? आसान है ना? क्या यही तुम्हें गुलामी की आरजू है? आजादी यही मानवता का अनकहा सच है। ये पहचान और सत्ता ढूंढने में आजादी की उजली किरणें तुम्हारे जीवन की खुशियां धुंधली कर देती हैं। गुलामी के लिए आखिर में तुम लोग अंधे हो जाते हो। तुम बने ही हो। घुटने ही टेकोगे। हमारे जैसे कोई और है ही नहीं। तुम जैसों के आगे नहीं। अपने बुजुर्ग की तरफ देखो। तुम्हारे जैसे पाखंडी अक्सर होते हैं। साल बनने दो। नया जो पूरे दुनिया पे कब्जा करना चाहता था, हम दोनों में बहस छिड़ गई थी। मुझे याद है जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा था, एक शख्स सामने आया जो किसी और वक्त का। वक्त तो अब तुम्हारा खत्म हो गया। एक सिपाही। लड़ने की कोशिश मत करो। Jesus.
मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। नहीं कुछ नहीं, उसे बस यहाँ ले आओ, वक्त बहुत कम है। यह आदमी काफी नुकसान पहुंचा सकता है। बुजुर्ग होने के बावजूद भी तुम काफी अच्छे हो। मतलब इस नौटंकी ने इतनी आसानी से कैसे हार मान ली? पहले कभी इतना आसान नहीं था क्या? जहाँ कसरत करते हैं तुम इतने साल इस सबसे दूर आए चुस्त लगते हो। जिम में जाते हो क्या? फ्यूरी ने बताया नहीं था कि वो तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ, बहुत सी बातें जो तुम्हें नहीं बताता है फ्यूरी। इतने दिन बर्फ में जमे जो रहे। क्या हुआ? जरा सी बिजली से डर गए? इस बिजली का कड़कना हम सब के लिए अवश्य। शक्तियाँ तो है मैम, पर दैविक कम और राक्षस का कैप्टन मैं बैठा नहीं रह सकता। वो महागाथाओं के योद्धा है, उनमें से ज्यादा तो लगता है मजाक कर रहे हैं हम। आपको तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। टेसरैक्ट कहाँ है? अच्छा तरीका है भाई से मिलने का। आने के लिए कितनी काली उठा पटोरनी पड़ी होगी। बाइफ्रोस्ट के जाने के बाद सर्वपिता को आपको यहाँ अपनी चहेती पृथ्वी पर चुके हैं। आपने मातम मनाया, हम सब ने मनाया। हमने सोचा आप मर चुके हैं। हमारे असली माता पिता के बारे में, हमारे पिता, आपके पिता, हमारा बचपन एक साथ गुजरा, हम साथ साथ खेले, हम साथ साथ में तो बताया ही होगा उन्होंने। हमारा आपकी महानता की छाया साथ लड़े, आपको वो कुछ भी याद नहीं? एक परछाई याद है, मैं फेंक दिया था उसे जिसे होना चाहिए था एस्गार्ड का राजा। जिस दुनिया को हमें रहना, हमें याद है कि आपने हमें खाई में फेंक। पृथ्वी हमारी हिफाजत में है लोकी। प्यार करते हैं आप, उसे बर्बाद करके हमसे बदला लेना चाहते हैं? नहीं, जानवरों की तरह एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं और आप बैठे बैठे कुड़ रहे हैं। हम उन पर आप वो काम बखूबी निभा रहे हैं मेरे भाई। इंसान जानवरों? हाँ बेशक। तब तो आपने राज करने का हुनर सीखा ही नहीं। उन पर राज करने वाले और क्यों ना करें? आप खुद को उनसे ऊंचा समझते हैं? हाँ। आपको तख्त रास नहीं आएगा। हम और मजबूत हो गए ओडिन के बेटे। हमने टेस्ट, हमने वो दुनिया देखी है जिसे आप जानते तक नहीं। देश निकाल के बाद ने दिखाई होने वाले राजा पर कौन काबू रखता है? हम राजा है। क्यूब की असली ताकत देखी है और जब हम उसे इस्तेमाल करेंगे। आपको ये ताकत किसने छोड़ दीजिए? नहीं, टेसरैक्ट हमें दीजिए और ऐसे जहरीले ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। हमारे पास टेसरैक्ट नहीं है। और घर आ जाइए। उसे भेज दिया है पता नहीं कहां। ध्यान से सुनिए भाई, हमें घर ले जाने के लिए आपको टेसरैक्ट चाहिए। पर हम सुन रहे हैं, हमें दोबारा हाथ मत लगाना। तो फिर मेरा शिकार मत देना। नाटक कंपनी के साइड हीरो से क्या तुम्हारी अम्मा जानती है? तुम नहीं जानते तुम्हारा पाला किससे पड़ा है।
टीम के डिब्बे लोकी को एस्गार्ड के इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। ये कि तुम उनके कपड़े चुरा कर पहनते हो, ये सब तुम्हारे समझ के परे है। टेसर से दूर रहो, चले आते हैं। टेसर एक दे देता है तो जो मर्जी करो, लेकिन तब तक मेरे रास्ते से। अरे वाह, तुम यहां क्या करने आए हो? सिर्फ बस बहुत हो गया, और इस हथौड़े को नीचे रखो। अरे क्या कह रहे हो, हथौड़े से ही तो उसकी औकात है। सिर्फ लोकी के इरादे को खत्म करने आए हैं हम, तो साबित करो। और इस तुम चाहते हो हम हथौड़ा नीचे रख दें? भागने की कोशिश की या उस शीशे को समझ में ना आया तो ठीक से समझ लो। शीशे को खरोच तक लगा, सीधे 30,000 फीट नीचे गिरा दिए जाओगे। समझ गए? भागने का नतीजा तो तुम इस पिंजरे के साथ सीधे जूता। नतीजा क्या होगा? चीटी पर शायद हमारे लिए नहीं बना। तुमसे कहीं ज्यादा बहुत शानदार पिंजरा है। एक बेदिमाग जानवर बनता ऐसे है जैसे ज्यादा ताकतवर चीज के लिए बना है। ओह, सुना है कि ऐसे अजीब और गरीब नमूनों को अपनी मदद के लिए बुलाया है। मैं भी एक इंसान हूं, कितने मजबूर हो गए हो कि ऐसी ताकत चुराते हो जैसे संभाल नहीं पाते। बात अमन की करते हो पर करते करते कितना मजबूर हूं। मेरी दुनिया को जंग की धमकी देते होने की वजह क्या है? वैसे तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कत्तों क्योंकि इसमें मजा आता है। अब पता चला मेरे मजबूर होने की। आकर भी खाली हाथ। टेसरेक्ट क्यूब इतने नजदीक और किस लिए?
बेशुमार ताकत। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है, एक कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा का जरिया। खैर, असली ताकत को कुछ टाइम पास के लिए चाहिए तो जरूर बताना। तो थॉर, उसका प्लान क्या है? इस बंदे में कुछ बात तो जरूर है। लोकी, इस मामले को लंबा कीजिए। हो जाए ना किसी और दुनिया की, वो तुम लोगों के खिलाफ उनकी अलमाई। उनके पास चित्तोरी नाम की एक फौज है, वो ना तो एस्गार्ड की फौज ले लेंगे। एक फौज बाहरी अंतरिक्ष का क्या अगुवाई करेगा? वो उन्हें पृथ्वी जितवा देंगे, बदले में वो टेसरैक्ट सेल्विक की जरूरत है। सेल्विक? वो एक खगोल विज्ञानी है, वो दोस्त है, तो वो एक और प्रवेश द्वार बनवा रहा है, इसलिए से एरिक्सन। आखिर लोकी ने हमें उसे पकड़ने क्यों दिया? यहाँ तो कोई फौज की अगुवाई नहीं। मुझे नहीं लगता हमें लोकी। लोकी ने ना सिर्फ उन पर जादू किया है बल्कि हमारे एक साथी नजर आता है। जुबान पर काबू रखो, लोकी पागल है। लोकी पर इतना ध्यान देना चाहिए, उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, दूर से ही पागल। 80 लोगों को मार डाला, गोद लिया गया था, शायद उसे हमारी तकनीक की ना हो। वो एस्गार्ड से है और वो हमारा भाई है। उसने दो दिनों में शांत रखता है। अच्छा सुनो, जब जाओ मेरा प्लेन लेकर उसे भेजना। ए मोहब्बत जिंदाबाद। हां, वो की जरूरत है इरिडियम। उन्हें इरिडियम क्यों चाहिए? वो जैसे रैको शील की तरह पूरा मत मानना पहलवान, शानदार पर्सनालिटी तो ठीक है, लेकिन पहले इसका मतलब प्रवेश द्वार यानी पोर्टल अपने आप पर नहीं गिरेगा। हो सकता है जितनी देर तक लोकी चाहता है। चलो मस्तूल उठा दो। हमारी इसका मतलब ये भी है कि प्रवेश द्वार उतनी देर तक और उतना चौड़ा कुछ उसे लगा हमें पता नहीं चलेगा, पर हमें चल गया। उठा दो, पाल खोल दो। खोलो, वो आदमी उधर वीडियो गेम खेल रहा है। मुड़कर थक जाता होगा। बाई तो बंद है। फ्यूरी को बाई तरफ का कंप्यूटर कैसे दिखता है? एक खास चीज है जिसकी जरूरत उसे अभी भी है। बाकी का सारा सामान एजेंट बार्टन के हाथ बड़े आराम से लग सकता है, बस एक क्यूब को चला सके। आप कब से टेसराइट क्यूब चलाने के एक्सपर्ट बन गए? बहुत सारी ऊर्जा जिसके जरिए टेसराइट क्यूब के थ्योरी पेपर्स के सिर्फ मैंने ही ऐसा पढ़ा है। और लोकी को ऊर्जा का कोई खास जरिया चाहिए? कल रात से वो पैकेट जो गोल्सन ने दिया सेल्विक के नोट से, टेसराइट के तभी परमाणु प्रतिक्रिया शुरू हो सकती है अगर सेल्विक ने पहले ही ये पता ना लगा लिया हो कि कौन सा चाहिए। उसे टेसरेट क्यूब को 12 करोड़ डिग्री तक गर्म करना होगा, रिएक्टर में भारी परमाणु संयोग हासिल कर सकता। कोई तो मेरे जितना अकलमंद निकला। क्वांटम टनलिंग के प्रभाव को कैसे स्टेबलाइज करें? अगर वो ऐसा कर लेता है तो वो ग्रह के किसी भी रिएक्टर में। आप जिस तरह साइंस पर नए नए काम कर रहे हैं उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और जब कुछ ज्यादा ही बोलता है। आपसे मिलकर खुशी हुई डॉक्टर पैना। शुक्रिया डॉक्टर बैनर। यहाँ सिर्फ टेसरेक्ट। और जब आप आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक हरे भरे गुस्सैल राक्षस बन जाते हैं वो तो कमाल ही है। जांच करनी होगी। हो सकता है जादू हो, लेकिन हाइड्रा के हथियार जैसा लगता है। वो तो मैं नहीं जानता। सेलेक्ट क्यूब ढूंढने आए हैं, तुम्हें भी इसमें शामिल होना है। सबसे पहले लोगे की छड़ी की जांच इस्तेमाल करके मेरे दो काबिल वैज्ञानिकों को मदारी का बंदर कैसे बना। पर ये टेसरेक्ट की ऊर्जा से चलता है और मैं जानना चाहता हूँ कि लोकी ने इसे इस्तेमाल। बार्टन और डॉक्टर सेल्विक। बंदर वो क्या होता है मैं बताऊं? शुरू करें डॉक्टर। इस तरफ सर। सर बिल्कुल मेल खाती है, पर इस प्रक्रिया में हफ्तों लग जाएंगे अगर हम उनके कामा रीडिंग्स सेल्विक की टेसरेट रिपोर्ट से 600 टेराफ्लॉप तक नाप सकते हैं। मैं तो टूथब्रश के सिवा अपने साथ कोई सामान। उनके डेटा सिस्टम को बाईपास करके सीधा उनके कंप्यूटर तक पहुंच जाए तो उनकी रफ्तार 10 मंजिलें सारी की सारी रिसर्च के लिए है। खेलने के लिए बहुत से खिलौने मिलेंगे। शुक्रिया, सामान नहीं लाया। तुम्हें कभी स्टार्क टावर आना चाहिए, ऊपर की 10 सभा कर दिया था। खैर, मैं वादा करता हूं तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। टेंशन क्रिया पर पिछली बार जब मैं न्यूयॉर्क आया था तो वहां का एक इलाका ही मैंने तबाह। तुम पागल हो गया कुशक? तुमने अपने गुस्से को अच्छे से काबू किया इसका तकलीफ। ए कुछ नहीं हुआ तुम्हें कोई तकलीफ? इस जहाज के तमाम लोगों की जिंदगी खतरे में डालना मजाक नहीं है। ये इसका राज क्या है? गाना शाना योगा शोगा दवाई शोई तुम्हारे लिए हर चीज मजाक है क्या? तुम्हें शायद यहाँ आता ही नहीं। डर कर नहीं मेरे भाई, खुल कर पूरा मत मानना डॉक्टर। हाँ कोई बात नहीं, अगर मैं छोटे मोटे ताने झेल नहीं पाता तो। फ्यूरी ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? अभी क्यों, पहले क्यों नहीं? वो हमें क्या नहीं बता रहा? खुल कर जीना चाहिए। और आपको इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए मिस्टर स्टार्क। तुम्हें लगता मैं नहीं दे रहा? द फ्यूरी को छुपा रहा है, वो जासूस है कैप्टन। वो एक सच्चा जासूस है। उसके जब तक मुझे सारी जानकारी ना मिल जाए मैं हल नहीं ढूंढ सकता। तुम्हें लगता है मुझे अपना काम खत्म करना है? और इसके राज के भी राज होते हैं, ये बात तो इसको भी परेशान कर रही है ना।
ابھی نہ ختم ہونے والی ارجا کا ذریعہ ڈاکٹر سے ٹونی یہ مجھے لگتا تمہارے لیے تھا اگر بات چل رہی ہے لوکی نے فیوری سے ٹیسریٹ کے بارے میں یہی کہا تھا میں نے سنا تھا وہ سٹارک ٹاور نیو کی وہ بدصورت بڑی سی لوکی کو ٹاور کی ارجا کے بارے میں نہ بھی بتایا ہوتا بھی اس نے نیوز میں تو سنا ہی ہوگا وہ سٹارک یہ عمارت تقریباً ایک سال تک اپنے آپ چل سکتی یہ تو صرف ایک نمونہ سی بلڈنگ اس پاور ملتی آرک ری ایکٹر کے ذریعے جو ایک سوچالت ارجا کا ذریعہ ہے یہی بتانا چاہ رہے ہیں پھر اسے شیل ٹیسریٹ پروجیکٹ میں کیوں نہیں لائی میرا مطلب اور صاف ارجا بنانے میں میرا بہت بڑا نام ہے یہ تمہیں یہی بتاؤں کمپیوٹر پروگرام شیلڈ کی ساری خفیہ فائلیں کھول دے تب میں اس کا پتہ لگاؤں مطلب سب سے پہلے تو وہ ارجا کے کھیتر میں کیا کر رہے ہیں ایک بار میرا اگر تمہیں میں شیلڈ کا ہر وہ گھنونا راز جان جاؤں گا جو انہوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے کھاؤ گے پھر بھی تم سمجھ نہیں پائے جان میں سب سے اس کی کھوج میں جب سے میں اس کنٹرول روم میں آیا ہوں کچھ ہی گھنٹوں میں ڈرے گی یہی دنیا کا دستور ہے میرے بھائی لگتا ہے لوکی ہمیں اکسانے کی کوشش کر رہا ہے سمجھ نہیں پائے کہ وہ تمہیں کیوں نہیں چاہتے ایک ہوشیار ایجنسی ہوشیار لوگوں سے تو جائے گا ہمیں آدیش ملے ہمیں ان کا پالن کرنا چاہیے یہ وہ آدمی ہے جو جنگ چھیڑنا چاہتا ہے اور اگر ہم نے دھیان نہیں دیا تو وہ چیز تمہارے لیے سب کچھ ہے نا اس کمرے میں کون ایسا ہے جو پہلی بات جھنڈا پالن والن کرنا میری فطرت نہیں ہے اور فطرت ہی تمہاری تمہیں ان میں کچھ گڑبڑ نظر نہیں آ رہی نا جھنڈا پہن کے گھوم رہا ہے اور دوسری بات نہ کام کا ہے نہ دام کا سٹیو یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں میرے ڈیڈ وہ لوکی کے بارے میں غلط تو نہیں کہہ رہا وہ ہم پر بھاری ڈیڈ بات کرتے نہیں تھکتے تھے سوچتا ہوں اسے برف سے نکالنا ہی نہیں چاہیے تھا جب لوکی نے ڈاکٹر کو اپنے وش میں کر لیا تب ہم نے جین فاسٹر کو ایک مل گیا اچھا پیسہ پرائیویٹ پلین شہر سے ایک کمال کی آبزرویٹری میں ناروے بھیج دیا اسے کل اچانک وہاں کام لوکی کا ایرک سیلوی کو لینا کوئی اتفاق بہت دور وہ وہاں محفوظ ہے شکریہ ایرک اچھا آدمی ہے وہ تمہاری بہت تعریف کرتا ہے اتفاق نہیں ہے کام ختم ہونے پر لوکی اسے مار ڈالیں گے تم نے یہاں سب کچھ بدل دیا وہ جیسے تھے ویسے اچھے تھے تم نے اس کی زندگی بدل دی پر ہم بلڈ سنائپ کی طرح یہاں لڑنے چلے آتے ہیں کس کی طرح بلڈ سنائپ ایسگارڈ پر ہم اپنے کو زیادہ انت سمجھنے کا ناٹک کرتے ہیں
पर हम तुम्हारे यहाँ नहीं है? मेरे ख्याल से तो नहीं। वो बड़े घिनौने होते हैं, हमारे वहाँ बड़े बड़े सिंह वाले जानवर होते हैं। अपने रास्ते में आई हर चीज मसल देते हैं। पहली बार पृथ्वी पर आए थे तो लोके ने यहाँ तक हमारा पीछा किया और कीमत तुम। जब हम पहली बार जवानी में हम शौक से जंग लड़ते थे, कीमत तुम्हारे लोगों को चुकानी पड़ी। और अब फिर क्या तुम लोकी से उगलवा सकते हो कि टेसरेक्ट कहाँ है? जंग अभी शुरू नहीं हुई है। वो बदला भी लेना चाहते हैं और वो भी हमसे। हमें पता नहीं, लोकी सिर्फ सत्ता ही नहीं चाहते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं, जब तक कि दर्द न हो उनका ये जुनून उनसे कोई नहीं छीन पाएगा। मैं जानना चाहता हूँ तुम क्या करने को तैयार हो। लोकी एक बंदी, अब हमसे क्या करवाना चाहते हैं? एक बंदी है। फिर मुझे क्यों ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर अपने आप को इस जहाज पे कैद करवाया? पर तुम जानते थे कि मैं आऊंगी? हाँ, हम जानते थे। बहुत कम लोग हैं जो चुपके से हम तक आ सकते हैं। होगा तब तुम एक दोस्त बनकर दवा बनकर आओगे। जब फ्यूरी हर तरह का जुल्म हम पर आजमा चुका होगा। बार्टन के साथ क्या किया? हमने तो सिर्फ उसके दिमाग की क्षमता बढ़ा दी। और हम तुम्हारा साथ देंगे। तुमने एजेंट बार्टन के, अगर तुम दुनिया पर राज करने लगे और अगर तुम जीत गए, कहीं ये प्यार तो नहीं है एजेंट रोमानोव? प्यार करना बचकाना होता है, मैं तो उसकी एहसान मन। तब उसके दिमाग का क्या होगा? कहीं बताओ हमें। शील्ड में काम करने से मेरे पास कुछ खास तरह के हुनर है, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैंने अपने लिए नाम कमा लिया था, करती हूँ। फिर मैं शील्ड के बुरे लिस्ट में आ गई। परवाह नहीं थी कि मैंने किसके लिए या किस पर इस्तेमाल करती हूँ, पर उसने मुझे नई जिंदगी दी। एजेंट बार्टन को मुझे मारने भेजा गया, तुम्हें बाहर जाने तो नहीं था। ये तो आखिरी दिलचस्प है। और अगर हम उसे बख्शने का वादा करें तो तुम क्या दोगी? क्या आए दिन गिरती रहती है, लेकिन मैं जज्बाती नहीं होती क्योंकि मैं रूसी हूँ। तुम्हारी दुनिया खतरे में है और तुम एक आदमी के लिए सौदा कर रही हो। सियासत आए उसे समझना इतना मुश्किल नहीं है। मैं या फिर थी। और अब तुम क्या मिटा पाओगी? मेरे ऊपर जो दाग लगे हैं उन्हें मैं मिटाना चाहती हूँ। ट्रेकोफ की बेटी, क्या तुम इतने सारे दाग मिटा पाओगी? आग, बार्टन ने हमें सब कुछ बता दिया है। साओ पाओलो, वो अस्पताल किया, और तुम्हें लगता है कि अपने ही जितने नेक आदमी को बचा लेने से सब कुछ बदल जाएगा? तुम्हारा दामन टपक रहा है, खून से लाल है। प्रार्थना जैसी पागल हो गई हो क्या तुम? ये तो बड़े ही ऊंचे किस्म के जज्बात है, एक बच्चे की प्रार्थी हो। और कातिलों के नाम पर झूठ बोलती हो, और कत्ल कुछ ऐसा जो सारी दरिंदगी की भरपाई करते। पर अब वो तुम्हारे, तुम अलग होने का ढोंग करती हो, कहती हो कि तुम्हारे कुछ उसूल हैं, कुछ है मिटेगा। हम बाटन को नहीं छुएंगे, चाहे हिस्सा है और वो कभी नहीं हार से, हर उस तरीके से जिससे तुम डरती हो। और फिर वो बस उतनी देर तक कि हम तुम्हें उसे मरवा नहीं देते। धीरे धीरे बड़े प्यार से फोड़ देंगे। ये है हमारा सौदा। खलीस लड़की के लिए जागेगा कि अपना किया निहार सके, और जब वो चीखेगा हम उसका सर नहीं कि तुम राक्षस हो। ओ बैना, तो ये राक्षस तो तुम लाई हो। मेरे को इस्तेमाल करने की सोच रहा है, अगर वो लैब में है तो उसे वही रखना, थॉर को भी वही भेज दो। तो ये प्लान है? क्या कहा? लोकी किसी भी तरह बैनर को इस्तेमाल। शुक्रिया तुम्हारी मदद के लिए। क्या कर रहे हैं मिस्टर स्टार्क? लो कमाल है, मैं भी यही
सोच रहा था आप क्या कर रहे हो। और अब हम गामा सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं, जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चलेगा। आपको टेसरेक्ट की तलाश करनी चाहिए। हम वही कर रहे हैं। इसके मॉडल का डिजाइन तैयार। ये क्या है फेज टू? पता चल जाएगा। हाँ, फिर आपको अपना क्यू मिल जाएगा ना, दिक्कत ना झंझट। मेरे हिसाब से कंप्यूटर थोड़ा स्लो चल रहा था। रॉजर्स, देखो हमने टेसरेक्ट से जुड़ी हर चीज इकट्ठी। फेज टू में शील्ड टेसरेक्ट का इस्तेमाल करके हथियार बनाएगी। सॉरी, मैं गलत था डायरेक्टर, दुनिया जरा भी नहीं बदली। चीजें इकट्ठी कर ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम। आप क्या झूठ कह रहे थे? मैं तो कोलकाता में था, इस माहौल से काफी दूर। लोग ही तुम्हें नचा रहा है। और तुम इसके बारे में जानते थे? देखो, तुम इस माहौल से दूर ही रहो डॉक्टर। चला जाऊंगा क्योंकि तुम अचानक बौखला गई। मैं जानना चाहता हूँ कि शील्ड टेस्ट इतनी देर क्या कर रही थी। तुम यहाँ इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं तुम पर आंखें मटका। देखो, मैं यहाँ से इसलिए नहीं चला। इसकी वजह से हमारी टेस्ट का इस्तेमाल करके विनाशकारी हथियार क्यों बना रही है? इस छोटे से शहर को तबाह कर दिया। तब एहसास हुआ कि इस दुनिया में हम अकेले नहीं। पिछले साल पृथ्वी पर किसी और ग्रह से एक मेहमान आया था जिसके एक झगड़े ने एस्गार्ड तुम्हारे ग्रह से सिर्फ शांति चाहता है। पर अंतरिक्ष में सिर्फ तुम ही नहीं हो, समझे, बल्कि उनके मुकाबले हमारी फौजी ताकत भी पिछड़ी हुई है। अजनबियों से भर्ती जा रही जिनका कोई मुकाबला नहीं, जिन्हें काबू नहीं किया जा सकता। जैसे और खतरा भी सिर्फ तुम लोगों से नहीं है, हमारी धरती ऐसे अजनबी नजर उसके ऊपर पड़ी। ये सारी रियासतों का एक इशारा है कि पृथ्वी और भी बड़े। तुमने टेसरेक को काबू किया। टेसरेक के साथ आप लोगों ने छेड़खानी की तो लूकी और उनके साथ पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं है हथियार, क्योंकि वो हर तरफ मौत की शांति फैला। तुम शायद पैमाने पर जंग के लिए तैयार है। बड़े पैमाने पर हम मजबूर थे इस धरती को बचाना। तो स्टार्क एक एक मिनट, अब मेरी बात कहां से आ गई? सब कुछ तुम्हारे बारे में तो है, भूल गए। तुमने भी तो इतनी दौलत इसी तरह से इकट्ठा की है स्टार्क। अगर वो आज भी हथियार बना रहा है पर आकर इस तरह धमाके कर आप लोग हमारे हीरो नहीं हो। हमें लगा था इंसान और अकलमंद है। माफ करना, पर क्या हम तुम्हारे ग्रह में खतरा हैं? आपका उस समय वास्ता नहीं है। समझ में नहीं आता, हम यहाँ बेवकूफ हो। शील्ड हर एक तरह के खतरे पर नजर रखती है। कैप्टन अमेरिका, आप लोगों की नजर में चीज से काम करना चाहिए। समझ गए? ट्रांसपोर्ट 66 ब्रावो, प्लीज अपने पक्के कोड की तरह। किस तरह का सामान है? ओवर। हथियार, ओवर। बताइए, आप मेरे कंप्यूटर पर हैं, मगर डे लॉग में नहीं। आपके जहाज में किस तरह का? हम क्या है, एक टीम? नहीं, हम एक प्रयोग पदार्थ है जो आराधन। आप लोग अमन की बात करते हैं फिर भी जंग छेड़ना चाहते हैं, बस यही तो उनका तरीका है। अब आपको लौट जाना चाहिए। कोई शख्स अपनी भड़ास क्यों नहीं निकाल सकता भाई? तुम अच्छी तरह जानते हो अराजकता फैलाता है। या यूं कहिए, हम एक टाइम बॉम्ब है डॉक्टर बैनर। अब आप कवच के अंदर एक घमंडी आदमी, उसको क्यों, उसे उकसाओ मत। चलो फिर, उसे नहीं तो तुम्हें उकसा देता हूं। हां, मैं कईयों को जानता हूं जिनके पास ये सब नहीं है, पर तुम जैसा हो तो तुम क्या हो? जीनियस, करोड़पति, रोमियो, समाज सेवक। तुम उनमें से नहीं हो जो किसी के लिए अपना नफा छोड़ दे, जो अपने सीने पर गोलियां खाकर जैसे 10 पर भारी है। तुम सिर्फ अपने लिए लड़ते हो, मैंने देखा है। हर बात का जवाब है ना, दूसरों की जान बचाए। मेरा असूल है जान है तो जहान है। हीरो, तुम्हारी तरह तुम तो लैब में किया गया सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट। तुमसे खतरा बेशक ना हो पर ये हीरो बनने का नाटक बंद करो अब। हीरो एक्सपेरिमेंट हो एक ऐसा अजूबा जिसे बनाया गया एक बोतल में। नहीं, ये तो कमाल की टीम। एजेंट रोमानोव, तुम डॉक्टर बैनर को उनके आप लोग कितने बचकाने हो। मारने की जरूरत पड़ जाए पर तुम ऐसा नहीं कर सकते, और कोशिश मैंने भी की थी। उनके कौन सा कमरा, जिसे लोकी की कैद बना दिया? वो कमरा सिर्फ कहीं मुझे मारने कहीं कोई अंत ही नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने अपने मुंह पर बंदूक दागी। लेकिन उस दूसरे मैं दुखी था, चलती रही। मैं लोगों की मदद करके बहुत खुश था जब तक तुम दूसरी शख्सियत ने मुझे रोक लिया। और जिंदगी चलती, तुम मेरा राज जानना चाहती हो एजेंट रोमानोव, तुम जानना चाहती हो मैं शांत कैसे रहता हूं। तुम मुझे वापस इस पागलपन में घसीट नहीं लाई और नतीजा सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी। तुम ये शाही छड़ी नीचे रखिए। डॉक्टर बैनर, मिल गया।
मैं वहां सबसे पहले पहुंच सकता हूं। तीसरा टैक्स गार्ड का है कोई इंसान उसमें? सॉरी दोस्तों, अब आप लोग मेरा दूसरा चेहरा नहीं देखने से मुझे शर्म नहीं आती। कवच पहन लो। इंसान उसे काबू नहीं कर सकता। तुम अकेले नहीं जाओगे। तुम मुझे कवच तो पहनो, फिर देखते हैं। बुड्ढों पे हाथ उठा सकते। ये सब क्या है? पर हम जब तक हवा में हैं वहां जाकर मरम्मत करना बहुत नहीं कर रहा है। क्या वो उसे ठीक कर सकते हैं? जल्दी बताओ मुझे, इसी को तो बाहर जाकर उस इंजन को ठीक करना होगा। स्टॉप, तुम सुन रहे हो ना? हां, मैं जा रहा हूं। बहुत मुश्किल है। एक और इंजन गया तो हम भी गए समझो। किसी को तो रोमनो कह दियो, अरे हिस्से को ताला लगाओ, फिर गन रूम में जाओ। सूरज निकलने वाला है। यस सर। पानी भर ले चलो। मुश्किल है सर, इंजन के साथ नेविगेशन और इंजन खराब हुआ तो हम गिर जाएंगे सर। तब इसे बाईं तरफ ले चलो, पानी के ऊपर। एक भी और देखते हैं कितना नुकसान हुआ इससे पहले। मैं आऊं। हाँ ठीक है, सिस्टम फिर चलवाना होगा। मोटर से पहुंचो, इसके पंपे को हटाओ, मुझे इसका सुपर कंडक्टिंग कूलर। तुम इंजन के उस पैनल तक जाओ और बताओ कि कौन से सर्किट ज्यादा गर्म हो गए। ये किसी खास तरह के बिजली पर चल रहे हैं। वाह, क्या समझ है तुम्हारी। समझ में आया क्या हुआ है? लगता है ये you
ओके रिले ठीक है शुरू नहीं होगा अंदर जाके मुझे धक्का लगाना पड़ेगा अरे ब्लेड से स्पीड पकड़ लीजिए तुम्हारे चीतड़ उड़ अब आगे क्या करना है हमें अगर मैं रोटर ब्लेड को साफ कर भी दूं तो भी ये धक्के का सिंगेज अरे सीधे सीधे बोलो वो बड़ा लाल लीवर दिख रहा है उड़ जाएंगे ये स्टेटर कंट्रोल यूनिट पोलैरिटी को उतनी देर रिवर्स कर सकता है जितना मैग्लेव का मेरे ऑर्डर का इंतजार करना वो रोटर्स को तब तक दीवा करके रखेगा जब तक मैं बाहर नहीं आता उसी के पास रहना साथ ले जाओ हमें नीचे वाला हैंगर पूरा खाली करना सिस्टम बर्बाद कर दिए वो कैद खाने की मंजिल की तरफ जा रहा है जा रहे हैं हम गिन रहे हैं इंजन नंबर 1 पे बिल्कुल भी पावर नहीं है ये बात नहीं है एजेंट रोमनोफ सुन रही हूं जा रहा है कोई सुन रहा है मुझे डॉग अब ऊंचाई खो रहा है हां दिख रहा है मुझे Thank you.
इंसान सोचते हैं कि हम अमर हैं। कुछ याद आया? हट जाओ प्लीज। पर काम शुरू किया था, मैं भी नहीं जानता कि क्या कर सकता है। जब तुमने पिछली बार डिस्ट्रॉयर भेजा था तब हमने इसके नमूने पर काम शुरू किया। देखना चाहते हो? शील जेट आसमान से अपने आप पर यकीन नहीं है। मुझे नहीं लगता। सभी लोग फॉरन क्रैश स्टेशन। तो डिस्ट्रॉयर ये पर चले जाए। सभी लोग लिवर चला दो। मुझे एक मिनट चाहिए। लिवर चलो। सॉरी बॉस, चूहा बिल से भाग गया। बस काम छोड़ रहा हूँ। इजाजत नहीं है। कोई बात नहीं बॉस, जागते रहना। नजरें मुझ पर। नहीं, अब मैं कहूँ अवेंजर्स की प्रेरणा की वजह बनती है तू बॉस। अगर मेरी मौत एजेंट कोल्सन नहीं रहे, वो आ चुके हैं।
पहुंचने वाली है। वो आ चुकी। उनका भी कहना है कि वो नहीं रहे। फिर गुलशन की जैकेट में थी, शायद वो तुम्हारा। ये कैप्टन अमेरिका गार्ड्स फिर हवा में लटके हैं। हम कंप्यूटर खराब, तुम्हारा ऑटोग्राफ नहीं ले पाए। तुम लोगों के लिए मेरे पास कोई जानकारी नहीं। गोलिया क्यू का कोई अता पता नहीं, न बैनर का, न थॉर का। इस का जिम्मेदार मैं हूं। गोलसन जो मेरी अकेली आग बची थी, उससे भी मैं खो चुका हूं। हाँ, हम डेसरेक्ट एक ही दांव पर सारे पैसे नहीं लगाता, क्योंकि मैं एवेंजर बना के और भी जोखिम भरा। डेसरेक्ट से हथियारों की खान बनाना चाहते थे, हालांकि मैं एक ही दांव। वो खेल एक आइडिया था, स्टार्क खेल चल रहा था। एवेंजर्स इनिशिएटिव कहते थे, आइडिया आता है। इसे देखा जाए कि उनके हुनर और शख्सियत को कैसे। आइडिया था कि सुपर हीरोज के एक समूह को साथ में लाया जाए, वो मिलकर वो जंग लड़ सकते हैं जो हम कभी नहीं लड़ पाएंगे। इस्तेमाल किया जा सकता है इस उम्मीद में कि जब हमें जरूरत हो। फिल कोल्सन ने अपनी जान की कुर्बानी इसलिए दी क्योंकि उसे एवेंजर्स के इन हीरोज पर। किसी को चोट तो नहीं लगी? तुमने कुछ कबूतरों को डराया जरूर। अच्छा, यहाँ चोट खाने के लिए कोई नहीं है, पर तुमने कुछ खुद देखा? सब कुछ। अच्छा, यह निशाना अच्छा था। जब तुम गिरे तब जगे हुए थे ना कपड़ों के। ये लो, सीधे छत से गिरे। ये बड़ा और हरा, ये कपड़े तुम्हें फिट नहीं होंगे। जब तुम गिरे तुम्हारा साइज कुछ और ही था। मुझे लगा ये कपड़े का अंतरिक्ष में से एलियन। नहीं शुक्रिया, तुम एलियन हो? देखो बेटा, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तुम्हें यकीन है? ठीक हो जाओ। तुम ठीक हो जाओगे। बस मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मुझे ठीक हो जाऊंगा। मेरे पास तुम समझोगे नहीं, कभी किसी और के वश से निकलना होगा। पहले नॉर्मल हो जाओ, इसमें वक्त लगेगा। किसी और का दिमाग तुम्हारे दिमाग में डाल दिया हो, जिसने तुम्हारे दिमाग के साथ छेड़खानी की है, जैसे कि किसी और। तुम्हें पता है मैं जानती हूं। तुम्हारा तन मन तुम्हारे काबू में ना हो। दिमाग रीसेट करके मैंने बहुत जोर से तुम्हारे सिर। तुम मुझे वापस कैसे लाई? उसके वश से बाहर कैसे निकाला? तुम्हारे सिर पर मारा। शुक्रिया। खुद को दोष मत दो बाटन, ये लोग ही राक्षस। मैंने कितने एजेंट्स मार दिए? देखो, हमें इन सब से लड़ने की ट्रेनिंग नहीं मिली। लोकी भाग गया? हाँ, राक्षस है। ये सब उसकी जादुई ताकत से हो रहा है। हमें पूछा नहीं,
जासूस हो, सिपाही नहीं। जैसी बात। पर तुम नहीं, इसलिए लोकी ने तुम्हारे साथ क्या किया और अब तुम इस जंग में सिपाही की तरह लड़ना चाहती हो, वो किस लिए? कुछ नहीं, वैसे खुल गया है। मेरा राज खुल गया है, मैं उन्हें मिटाना चाहती हूँ। मेरे ऊपर जो दाग लगे हैं शादीशुदा था जिंदगी में शायद। I'm sorry। नहीं, पर थी एक लड़की उसकी जिंदगी में, बेवकूफ था वो। इसलिए कि हम पे यकीन रखता था और इसलिए बड़ा अच्छा आदमी लगता था। ना तो चाहिए था सामने कौन है, उसे इंतजार करना चाहिए था उसे। कभी कभी इसलिए कि लोकी से अकेले लड़ पड़ा, वो अपना कर्तव्य निभा रहा था। देखना तो तूने एक सिपाही खोया है। हम लोग सिपाही नहीं है, मैं कभी और कोई चारा नहीं होता टोनी। सुनो, ये बात मुझसे मत कहना। क्या पहली बार तुमने पर नहीं नाच रहा? ना ही मैं, उसके हाथों पर भी वही खून लगा है जो लोकी। मैं फ्यूरी की दूल्हा, लोकी को ऊर्जा का जरिया चाहिए। अगर हम एक लिस्ट तैयार कर से दुश्मनी ली है जो लोकी की, इस वक्त हमें पुरानी बातें भूलकर लोकी को रोकना होगा। हम सबसे ज्यादा दुश्मनी कर रहा है क्यों? हमें फूट डालने की। डिवाइड एंड रूल, बात वो नहीं है। वही बात है, लोकी का वही प्लान है। आता हम सब वो हमें मात देना चाहता है और चाहता है कि लोग उसे ऐसा करते हुए देखें, डंका बजाना चाहता है। वो जानता है हमसे जीतने के लिए उसे हमें मैदान में उतारना होगा, यही तो चाहता है। जो जो तुमने देखा वो तो सिर्फ ट्रेलर था, असली असली फिल्म तो ये है और लोकी एक बहुत बड़ा स्टार है जीत का। हाँ, जर्मनी में मैंने उसका ट्रेलर देखा था। हाँ जी, हमारा चाहिए जिसमें उसका नाम चिपका हुआ। बड़ा स्टार समझता अपने आपको, उसे फूलों के हार चाहिए, लोगों का जुलूस चाहिए, बहुत ऊंची इमारत। रास्ते में बताऊंगा। कोई जेट उड़ा सकती हो? मैं उड़ा सकता हूं। कोई सूट है? हाँ तो पहन लो। एजेंट हिल, नहीं आ सकते। दोस्त, रोको मत। कार्ड्स कोल्सन के लॉकर में थे, उसके जैकेट में नहीं। ये कार्ड्स को उन्हें जोश की जरूरत थी। उन्होंने लोकी को ढूंढ लिया है, किसी भी तरह से हमारी संचार व्यवस्था शुरू। बेसिक से बिना इजाजत के बात हो रही है। शुरू करवाओ, मुझे हर चीज पर नजर चाहिए। जी सर। बात कर लिया है, पर डेजर्ट एक्ट तो अब खुद ब खुद चल रहा है। उसे बंद सर, मैंने आग रिएक्टर बंद। ये अब नहीं रुक सकती। उसे बंद कर दीजिए डॉक्टर सेल्विक। अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं दुनिया, आपकी मर्जी है। ये हमें कुछ दिखाना चाहती है, एक नई। सर, ये गहरा ठोस ऊर्जा का है। प्लान भी शुरू करो। सर, आपका नया कवच उसे नहीं तोड़ा जा सकता। समझ गया जार्विस। इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं है तो जाने दो जार्विस, हमारे पास वक्त नहीं है। कहो कि तुम मुझसे
में अपना कवच पहने रहना चाहिए था। तुम मुझसे रहम की भीख मांगने वाले हो। मेरा इरादा चमचमाती छड़ी है, कुछ भी हो गए। कवच थोड़ा खिंच चुका है और तुम्हारे पास तो किस्मत की चाप टकरा लेते हैं। हमें रोकने से कुछ नहीं बदला। नहीं, रोक नहीं रहा, धमका रहा हूं। एक एक जाम फिर हमें किस बात का डर? अवेंजर्स का। हमारी फौज आ रही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। बनाई है दुनिया भर के सुपर हीरोज को इकट्ठा करके। हाँ, मिल चुके हैं। हम अपने आप को यही बुलाते हैं, हमने एक टीम बनाई। चलो गिनकर देख लेते हैं। तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं। हाँ, हमें टीम बनने में थोड़ा वक्त तो लगता है, ये तो मानना पड़ेगा। पर पौराणिक कहानी का नायक एक आदमी जो अपने गुस्से पर काबू नहीं रखता, एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक, तुमने तो अकेले ही इन सब की नाक में दम कर रखा है, नहीं रख पाता है। कुछ एक उस्ताद हथियारे और तुम बच्चूला, और वो जरूर आएंगे। तब तो तुम्हारी बच गई। यही तो इरादा था। नापाक इरादा है। जब वो आएंगे वो जानवर खो गया। तुम बात को समझ नहीं रहे हो, यहाँ कोई तक नहीं है और ना ही कोई सियासत है। तो हमारे पास फौज है, हमारे पास हल्क है। ओह, हमें लगा कि हो सकता है हम पर भारी भी पड़े, लेकिन इसके जिम्मेदार तुम ही होगे। तो शहंशाह बनने का ख्वाब मत देखो, हो सकता है तुम्हारी फौज यहाँ आए। उनके पास हमारे लिए वक्त कहां से होगा? क्योंकि अगर हम पृथ्वी को बचा नहीं पाए तो इसका बदला जरूर लेंगे। जब वो तुमसे लड़ने में मसरूफ रहेंगे। ड्रामेबाजी में ऐसा ही होता है, कभी कभी पर्दा नहीं खुलता है और दर्शक सोचने जा रहे हैं कि ये काम क्यों नहीं कर रहे यार। राजू, तुम सब जार्विस हमारे आगे झुकोगे। जार्विस सकते, अब ये रुकेगा नहीं, अब तो सिर्फ रोके। टेंशन एक्ट बंद कर दीजिए वरना हम उसे खत्म कर देंगे। जंग होगी तो यही सही। उत्तर पूर्व की तरफ जा रहे हैं।
लाइन बटाते रहो। सर और भी दुश्मन आ रहे हैं, ऐसा करो उनका नाश। चलो ध्यान बटाते हैं। बैनर कहाँ है? आया नहीं अब तक? बैनर? मुझे खबर देते रहना। सब देख रहे हो? हाँ, देख रहा हूँ, लेकिन यकीन नहीं हो रहा है। खुद देखिए, क्या लगता है? जार्विस, उसका कमजोर हिस्सा बताओ। बहुत देर हो गई है। आपके राज करने से ये बर्बादी बंद हो सकती है, दोनों मिलकर। इसे अब रोकना मुश्किल है। नहीं, रोक सकते हैं तुम्हारे जज्बात। हम बस को देख लेते हैं, हम संभालेंगे। जाओ, तुम रोक सकते हो? रोकने में मुझे बहुत खुशी होगी। पुलिस की जरूरत पड़ेगी, अंदर लोग हैं और वो भागकर सीधे धमाके वाले इलाके में आ जाएंगे। क्या सेना जानती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? हम जानते हैं। और इस पूरे इलाके की घेराबंदी चाहिए जल्द से जल्द। लेकिन मैं आपका आदेश क्यों मानूं? तुम उन्हें या तो बेसमेंट में या फिर फौरन सबवे से ले जाओ और उन्हें सड़कों से दूर रखना। मैं
को बिल्डिंग से निकाल कर सड़कों से दूर ले चलो। हम इस इलाके की चारों तरफ से घेराबंदी कर रहे हैं। चलो इसका दुश्मन के चक्के छुड़ाने देखा होगा। नहीं सच, हमें हल्क की बहुत। उसे कहो सूट बूट पहन ले, मैं पार्टी लेकर आ रहा हूं। ये आखिर किस तरह की पार्टी है? मैडम आपके लिए यही सही वक्त है गुस्सा होने। मैं गुस्से में ही रहता हूं, यही तो मेरा राज है। क्या प्रवेश द्वार को बंद ना कर दे हमें उन्हें रोकना होगा। दोस्तों हुकुम कैप्टन। स्टार्क कोई भी चीज तीन बिल्डिंग से आगे निकले तुम उसे लड़ाई के मैदान में लेके आओगे या फिर राख बटन तुम उस छत पर जाओगे। हर चीज पर नजर रखोगे, कौन कहां है बताओगे। थॉर तुम्हें उस प्रवेश कर दोगे छत पर ले जा सकते हो। क्यों नहीं, तैयार हो जाओ मेरे तीर मार खा। तुम और मैं यही नीचे रहे। प्रवेश द्वार पर नाकाबंदी करनी है, उन्हें रोकना है। तुम्हारे पास बिजली है, जला डालो उन सब, फोड़ देना। यही पर लड़ाई को रोक रखेंगे। और हल्क पीछे पड़े हैं। नहीं सकते, इसका फायदा उठाओ। हाँ कोशिश कर, मैं उन्हें सड़कों से दूर रख रहा हूं। वो पीछे मुड़ है। Thank you.
क्या हो रहा है? थॉर आगे एक बल्टन से लड़ रहा है। ले लिया है। मैं जानता हूं कि काउंसिल ने कोई फैसला लिया है, पर चुप। डायरेक्टर फ्यूरी, काउंसिल ने फैसला लिया। आप उस इलाके के बेहद करीब हैं, इसलिए परमाणु हमले की तैयारी की। ये निहायत ही बेवकूफी का फैसला है, मैं इसे नजरअंदाज करता हूं। डायरेक्टर चाहे कि मेरी टीम उन्हें रोक सकती है, मैं परमाणु हमले का आदेश आम जनता के खिलाफ। न्यूयॉर्क का एक अहम इलाका मैनहट्टन है, जब तक मुझे भरोसा है मुझे कुछ नहीं बचेगा। कभी नहीं दूंगा। अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो हम सब कुछ खो देंगे। मैंने जहाज भेजा तो नताशा क्या कर रही हो? Yeah.
के देवता है बेवकूफ इंसानों, और तुम लोग मुझे इस तरह परेशान है। बड़ बोला कहीं का। शहर की तरफ आ रही है। कितनी देर में? स्टार्क, सुन रहे हो? एक मिसाइल। जार्विस जितनी पावर है मेरे कवच में डाल दो। एक मिनट, बस। मिसाइल सारे शहर को बर्बाद कर देगी। मिसाइल छोड़ दिया है। विस्फोट 2 मिनट और 30 सेकंड। मिसाइल आ रही है जो 1 मिनट में फटे, और मैं जानता हूं स्टार पहुंचाना है। सर,
स्पॉट्स को फोन लगाओ। स्टार्क, ये एक तरफा रास्ता है। मंजिल तक पहुंचने के लिए पावर बचा के रखो जार्विस। न्यूयॉर्क शहर की सड़कें एक जंगल मैदान बन गई हैं। यहाँ सेना हिंसा रोकने की लगाई दो। किसी ने किस तो नहीं किया? अरे वाह, जीत गए हम। वाह वाह, हम जीत गए। तुमने कभी कोरमा खाया? यहाँ से दो गली दूर शाही कोरमा मिलता। अच्छा काम किया दोस्तों, चलो काम पे नहीं आते कल। हाँ, कोरमा मिलता है, खाया तो नहीं पर सुना है स्वाद होता है। अभी काम खत्म नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं। बहस कर दिया है,
अगर उन्होंने ये जंग लड़ी है तो अब वो कहाँ है? ये लोग जिन्हें हीरोज का खिताब दिया गया है, उन्होंने शहर को तहस नहस हो जाना। लोगों की क्या ये गलती अब उनकी हो गई? एवेंजर्स के बारे में आज कई सवाल उठ रहे हैं, उनका अचानक आना और फिर अचानक से गायब। बचाई है वो जहां कैप्टन अमेरिका ने आज मेरी जान। मैं कहना चाहती हूँ थैंक यू, जहां कहीं भी है, और उनके बाकी सभी साथियों को। मुझे उनके बारे में फिलहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन वो कुछ दिनों की छुट्टी के जरूर हकदार। कहां है एवेंजर्स? मुझे हमारी पहुंच से दूर। ये फैसला और टेसरेक्ट? टेसरेक्ट वही है जहां उसे होना चाहिए। लेकिन आपने उन्हें वो ले जाने दिया और साथ में उस गुनाहगार लोग क्या आप नहीं ले सकते? मैंने नहीं लिया, जिस देवता ने उसे लिया मैंने उनसे बहस दी। लोकी को भी जिसे सजा मिलनी चाहिए थी। वो सजा तो उसे मिली जाए। एवेंजर्स को इस दुनिया में खुला छोड़कर क्या शुरू कर दिया है? शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने ये जानती, बल्कि सारी कायनात ये जानती है। वो खतरनाक है। मैं जानता हूँ वो खतरनाक है, और पूरी दुनिया ये एक वादा। तो फिर ये सब क्या था? एक सबक? वो अपने अपने रास्ते चले गए हैं, उनमें से कुछ तो बहुत ही दूर। सर अब इसके आगे क्या होगा? क्या होगा? वो वापस आएंगे। अब अगर फिर हम ऐसे हालात में फंस गए तब क्या हो? ऐसा क्यों? क्योंकि हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। आपको पूरा यकीन है? हाँ है।